अगर बात करें प्रेम की तो श्री कृष्ण राधा के नाम की मिसाल दी जाती है। ये भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण राधा का प्रेम परमात्मा का मिलन है। नमस्कार, मैं हूँ साधना शर्मा। स्वागत है आप सभी का धर्म से जुड़ी इस खास पेशकश में न्यूज़ को सोशल पर। ये सभी बखूबी जानते हैं कि राधा श्री कृष्ण का बचपन का प्यार थी। तब श्री कृष्ण 8 साल के थे, तब दोनों ने प्रेम की अनुभूति की। राधा श्री कृष्ण के दिव्य गुणों से परिचित थे। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को केवल दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रिय थी। ये दोनों ही चीज़ें आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी। पहली थी बांसुरी और दूसरी राधा। कृष्ण को बांसुरी की धुन ही थी जिसने राधा श्री कृष्ण की तरफ खींची चली आती थी। राधा की वजह से श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास रखते थे। भले ही श्री कृष्ण और राधा का मिलन नहीं हुआ, लेकिन श्री कृष्ण की बांसुरी उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रखती थी। भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुए थे जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया था। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले थे। राधा कृष्ण के मन में चली रही गतिविधियों को जानती थी। राधा को अलविदा कह कृष्ण उनसे दूर चले गए। जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से ये वादा करके गए थे कि वे वापस ज़रूर आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए, जिसके बाद उनकी शादी भी रुक्मणी से हो गई थी। रुक्मणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए थे। श्री कृष्ण से विवाह के लिए वे अपने भाई रुक्मी के खिलाफ तक चली गई थी। रुक्मणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था कि वे आकर उन्हें अपने साथ ले जाएं। इसके बाद ही कृष्ण रुक्मणी के पास गए और उनसे शादी कर ली। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए, तब राधा की जिंदगी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा की शादी एक यादव से हो गई थी। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हो गई, लेकिन उनका मन तभी भी कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्यों का पालन किया और दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दिव्य कर्तव्यों को निभाया। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वे द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण की रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वे दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वो बहुत ही प्रसन्न हो गए, जिसके बाद दोनों ने ही संकेतों में एक दूसरे से काफी देर तक बात की। राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारिका में कोई भी नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती और महल से जुड़े सभी कार्य देखती। मौका मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन के लिए चली जाती, लेकिन महल में राधा श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह अत्याधिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पाती। इसीलिए राधा ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा कि वह दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएंगी। राधा को नहीं पता था कि वे कहाँ जाएंगी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमज़ोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा कहने पर राधा ने कहा
कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाई। श्री कृष्ण ने दिन रात अपनी बांसुरी बजाई जब तक कि राधा आध्यात्मिक रूप से श्री कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। वहीं दूसरी ओर बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर को त्याग दिया। भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, इसके बावजूद वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या कोई अन्य वादक यंत्र नहीं बजाया। आशा करती हूँ आप सभी को हमारी ये खास पेशकश पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।